हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 19.4 पे है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। अगर केसी सिन्हा बुक की बात करूँ तो इसमें इतने सारे वर्किंग रूल दिए हैं ना, हर एक्सरसाइज के लिए 10-10 वर्किंग रूल है यार। वर्किंग रूल के चक्कर में पड़ेंगे तो क्वेश्चन बनते ही रह जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं इसे डायरेक्ट ही आपको 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि करना क्या है क्वेश्चन में और कैसे उनको प्रतिस्थापन विधि से बड़े ही आसान तरीके से हम लोग बना लेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे अगर साइन क्यूब दिया हो, साइन 4 दिया हो, साइन का पावर 5x दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। हमें करना क्या होगा कि इसे छोटे छोटे पावर में स्प्लिट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन क्यूब है तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस साइन स्क्वायर को कॉस में बदल देते हैं, 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू में साइन एक्स। अब देखिए ये टूट गया। अब यहाँ पे हम लोग सीधे पुट कर देंगे कॉस एक्स के जगह टी, कॉस एक्स बराबर में टी, ठीक है। इसलिए कॉस एक्स बराबर टी पुट किए ताकि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, या साइन एक्स पहले से ऑलरेडी है। चलो देखो इसको डिफ्रेंसिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, यहाँ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ठीक है। डी टी बटा में डी एक्स, ये आ जाएगा इधर और माइनस उधर लगा देते हैं तो आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी। अब सिंपल हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, 1 cos x को हम लोग t मान लेते हैं तो 1 t स्क्वायर हो जाएगा और sin x dx का वैल्यू है माइनस का dt। माइनस को हम चाहे तो बाहर लगा सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 t स्क्वायर dt माइनस, अच्छा देखो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बटा में 3। देख रहे हैं ना, t स्क्वायर का पावर में एक जुड़ के पावर नीचे उतर गया और प्लस में c। चलिए अगले स्टेप पे हमें क्या करना होगा, जो t का वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। चलिए और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t के जगह पे क्या रखना है कॉस, तो कॉस क्यूब एक्स बटा 3 प्लस सी। देखे ना, बड़े आसान तरीके से हम लोग बनानी है हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर